नमस्कार, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल कुक विथ मोनू में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल का बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। आज हम दलिया की रेसिपी लेकर आए हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। इसे हम सब कोई खा सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दलिया की रेसिपी बनाना। गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर प्रेशर कुकर रखेंगे। कुकर गर्म हो गई, अब हम इसमें घी डालेंगे। घी गर्म हो गई, अब इसमें बारीक कटी हुई हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम 1-2 मिनट भून लेंगे। प्याज मेरी भुन चुकी है, अब हम इसमें कटी हुई सारी सब्जी ऐड कर देंगे। टमाटर को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इस सारी सब्जी को फिर से हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच में हम 1-2 बार इसको चलाते रहेंगे। आप इसमें अपनी पसंद का भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो घर में अवेलेबल था वो सब मैंने इसमें डाला। आप जो सब्जी पसंद करते हैं उस सब सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। दलिया बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और यह बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। अब मेरी सारी सब्जी अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें दलिया और नून को जो हमने भिगो के रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मेरा दलिया जो है ना नीचे लग जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हर 1 मिनट में। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और नमक ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। दलिया बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। सब कुछ इसमें अच्छे से ऐड हो गया है, अब हम इसमें पानी ऐड में हम तीन से चार गिलास पानी डालेंगे।
हम एक तीन चार जन के लिए बना रहे हैं, उसमें चार जन अच्छे से खा लेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए, अब हम इसको बंद कर देंगे और दो सीटी आने तक पकाएंगे। और दो सीटी जब आ जाएगी तब हम इसको 2 मिनट के लिए गैस को सिम कर देंगे और फिर बंद कर देंगे। यहाँ पे 2 सीटी आ गई है, अब हम गैस को कम कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुकी है, अब हम इसको बंद कर देंगे और भाप रहने तक इसको नहीं खोलना है। उसके बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। सारा गैस इससे निकल चुका है, अब हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए दलिया बन चुकी है, कितनी सुंदर दिख रही है। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। देखिए मेरी दलिया बनके रेडी हो गई है। इस रेसिपी को आप खाइए और कुक विथ मोनू पे शेयर करके कमेंट करके बताइए कैसी बनी आपकी ये रेसिपी।